सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो सरोज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पीसी में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है आपका पीसी, स्टार्ट में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कुछ ऐसा एरर आपके पीसी में आ रहा है, तो इस वीडियो का पूरा देखो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे जो है आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो वापस से जो है ये यहीं पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम अभी फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए देखिए, इसमें आपको एक रीस्टार्ट और एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आपको केवल दो ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाते हो तो आपको कुछ एडवांस चीज़ें वगैरह आपको मिलता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे और ध्यान से देखो, तभी जो है आप इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक बार ट्रबल शूट पे आपको क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एडवांस ऑप्शन एक और मिल जाएगा और यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा कि स्टार्टअप में आपको जितने भी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ये सारे को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जितने भी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे इसको मिलेगा वो सारे को पहले डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों तब तक आपको वेट करना होगा जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो इसको आप होने देंगे पहले अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों किसी किसी पीसी में, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, किसी किसी पीसी में जो है डायरेक्ट पहले यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है और पीसी यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पीसी में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टाइम लगता है। इस तो अगर आपके पीसी में बहुत सारा यहाँ पे टाइम लगता है यहाँ पे ये होने में, ठीक है, चेकिंग डिस्क फॉर एरर में यहाँ पे ये टाइम लेता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको होने दे, ठीक है, 5 से 10 मिनट आपको इसको होने दो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए दोस्तों अगर आप में नहीं होता है तो आपको क्या करना है, और अगर किसी पीसी में, मान के चले किसी पीसी में हो गया, तो वो क्या होगा, पीसी ऑटोमेटिक यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीसी एक बार स्विच ऑफ होगा, फिर उसके बाद जो है वो पीसी ऑटोमेटिक यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ होकर वापस से वो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पीसी में नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है गाइस, आपका जो यहाँ पे पावर बटन होता है आपके लैपटॉप में, ठीक है, या फिर आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे सीपी में जो यहाँ पे पावर बटन होता है, उसको आपको आपको मैनुअली जो है आपको पीसी के टर्न ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अटेम्प्टिंग रिपेयर यहाँ पे आ चुका है, आप में भी ऐसा आएगा, लेकिन आपका पीसी बहुत यहाँ पे टाइम लेता है। वेट तो आपको करना है कम से कम, आप जो है 5 से 10 मिनट आप वेट करो, नहीं होता है तो आपको जो है वापस से आपको पीसी को जो है खुद से आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, जैसे कि मैंने अपने केस में अपने पीसी को जो है मैनुअली मैंने टर्न ऑफ किया। ठीक है, आपको ऑफ कर देना है और 2-3 मिनट आपको वेट करना है, वापस से जो इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे विंडोज यहाँ पे लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग होने देंगे, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा प्रॉब्लम जो है वहाँ पे दूर हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो प्लीज़ वेट, यहाँ पे आ चुका हमारा विंडोज जो यहाँ पे लोड भी यहाँ पे हो चुका है, हमारा पीसी जो यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने ये स्टार्टअप जो रिपेयर होता है, स्टार्ट वाले जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हो। दोस्तों देखा कि आप कैसे जो है इस प्रॉब्लम का फिक्स कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मन में कोई भी सलाह सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को देख लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले देख। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।